फ्रेंड्स, रिव्यू के व्यू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फेशियल करेंगे कोकोनट ऑयल से। कोकोनट ऑयल हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये अंदर से हमारी स्किन को ग्लो करता है, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम्स को दूर करता है, बाकी भी स्किन प्रॉब्लम्स जो होती है उनको भी दूर करता है। और ये क्या करता है, ये इसके अंदर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और उसके साथ हमारा बहुत ही अच्छा एक जो है फेशियल हो जाएगा हमारी स्किन में, और हमारी स्किन की जो ड्राइनेस है वो भी रिमूव हो जाएगी डे बाय डे जैसे हम इसको यूज करते जाएंगे। ये हमारी स्किन में ग्लो लेके आता है कोकोनट ऑयल। सो हम इसको अपनी स्किन में जरूर यूज करके देखेंगे और देखेंगे इसका इफेक्ट कैसा है। सो हम लोग सबसे पहले, आपको पता है कि फेशियल का फर्स्ट स्टेप होता है क्लींजिंग। क्लींजिंग हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमने अपनी स्किन से डर्ट निकालनी होती है। सो ये मेरे पास पैराशूट का 5 ग्राम का एक बॉटल है जिसकी कॉस्ट 20 रुपीज मुझे पड़ी है। ये बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है, मैं इससे 3 या 4 बार फेशियल, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा टाइम फेशियल कर सकती हूँ। ये बहुत ही अच्छा है मेरी स्किन के लिए, मुझे तो ये बहुत पसंद है कोकोनट ऑयल अपने फेस पे अप्लाई करना। सो इसीलिए आपको बहुत सारे DIY मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें से मिल जाएंगे जिसमें कोकोनट ऑयल मैंने यूज किया हुआ है। मेरी स्किन पे ये बहुत सूट करता है। सो मैंने इसको थोड़ा सा लूंगी बॉल में। और वैसे तो कोकोनट ऑयल अपने आप में ही एक अच्छा क्लींजर है, अगर आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दे तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब मैंने इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लिया और अपनी स्किन पे क्लींजिंग के लिए इसको अप्लाई कर लिया। मैं इसको अच्छे से क्लींजिंग करूंगी अपनी स्किन की, ना जो डर्ट है, जो भी पोल्यूशन है, डर्ट है वो मेरी स्किन से निकल जाए, कोई पिंपल है वो मेरी जो है उसकी गंदगी मेरी स्किन से निकल जाए, ताजो मेरी स्किन क्लियर हो जाए। सो मैं इसको अच्छे से मसाज कर लूंगी। ये फर्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप इसके आई एरिया के नीचे अच्छे से मसाज कर लीजिए क्योंकि ये ऑयल जो है वो डार्क सर्कल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और इसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा मत डालिए, थोड़ा कम ही डालिए, आपको स्क्रब के लिए अगला ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इससे स्क्रब नहीं करना, बस ये क्लींजिंग के लिए। ये सॉल्ट बहुत अच्छा होता है हमारे पोर्स को क्लीन करने के लिए, इसीलिए मैंने इसमें व्हाइट सॉल्ट, जो खाने वाला सॉल्ट होता है सिंपल, वो डाला है। 2 पिंच मैंने सॉल्ट डाला है इसमें थोड़े से क्लींजर में। आप नोज एरिया में भी अच्छे से इसको रब कर लीजिए ताजो वहां पे भी क्लीन हो जाए, सारे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से अपनी स्किन पे अप्लाई कर लिया है। सो नाउ लेट्स वॉश इट एंड वॉच इट। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप है स्क्रब। स्क्रब के लिए मैं यूज करूंगी कोकोनट ऑयल एंड बेकिंग सोडा। फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा आपको आपकी किचन में मिल जाएगा और ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है। इनफैक्ट बेकिंग सोडा और जो हमारा कोकोनट ऑयल है ये हमारे फेस के लिए एक पॉलिशिंग का काम करता है, एक पॉलिश करता है हमारे फेस को। और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया जिसका लिंक आपको मेरे आई बटन में मिल जाएगा, आप उसको भी जरूर देखेगा। सो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बहुत अच्छी जो है स्क्रब कम स्किन पॉलिशिंग बनी है, मेरी स्किन में ग्लो देगी। अगर आप फर्स्ट स्टेप की बात करो तो स्किन में एक बहुत सॉफ्टनेस, क्लियर मेरी स्किन दिख रही है। और अब मैं इसके ऊपर सेकंड स्टेप अप्लाई करूंगी जो कि है स्क्रब, और देखेंगे कि इसका रिजल्ट मेरी स्किन पे कैसा आता है। ये एक स्क्रब है तो आपको आई डोंट नो आवाज आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन एक खड़खड़ की आवाज है इसके अंदर क्योंकि थोड़ा सा ये स्ट्रांग स्क्रब है, लेकिन ये बहुत अच्छा है मेरे जो ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स उनके लिए बहुत अच्छा है। मेरी स्किन में से जितनी भी डर्ट होगी, जो भी कुछ चीजें खराब मेरी स्किन में होंगी, कोई पोल्यूशन या फिर डेड स्किन, वो सबको रिमूव कर देगा ये स्क्रब। मुझे एक्चुअली ये थोड़ा ड्राई लग रहा है तो इसमें मैं एक थोड़ा सा और कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ। आप भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये कर सकते हो जो भी आपको ठीक लगे। सो मैंने इसको अच्छे से अपनी स्किन में जो है वो अप्लाई कर लिया है। और इसको ज्यादा डेलिकेटेड एरिया में मत यूज करिए क्योंकि थोड़ा सा हार्श है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आप इसको मत यूज करिए। मैं इसकी मसाज 2 से 3 मिनट्स के लिए करूंगी, जैसे कि एक स्क्रब के लिए करते हैं हम। सो ताजो डेड स्किन प्रॉपरली मैं रिमूव कर दूं और मेरी स्किन में एक पॉलिशिंग मिले, एक स्किन को क्लियर लुक मिले, डर्ट वगैरह सब रिमूव हो जाए, तो मैंने इसको अच्छे से अपनी स्किन पे, आपको पता है प्रोडक्ट लेके मैं बार बार अप्लाई कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से स्क्रब को 2 से 3 मिनट्स के लिए अपने फेस पे मसाज कर लिया। नाउ लेट्स वॉश इट एंड वॉच इट द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेप। हर स्टेप के साथ मेरी स्किन बेटर लग रही है मेरे को। अब मैं अप्लाई करूंगी अपनी स्किन पे थर्ड स्टेप, जिसमें मुझे करना है अपनी स्किन को मसाज। और मसाज क्रीम बनाने के लिए मैंने क्या यूज किया, ऑलिव ऑयल। और इसमें मैं ऐड करूंगी ऑफकोर्स माय मेड इंग्रेडिएंट दैट इज कोकोनट ऑयल। मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लिया और इसके अंदर मैं अपना थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी अपनी स्किन को और स्मूथ करने के लिए, ग्लिसरीन। सो ग्लिसरीन मेरी स्किन को और स्मूथ करेगी। मैंने कुछ बूंदे जो है ग्लिसरीन की ले ली है इसमें।
ये बहुत ही अच्छी मसाज जेल जो है रेडी होगी। सो अब मैं इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करूंगी 5 to 10 मिनट्स के लिए, ताकि इसकी पूरी प्रॉपर्टी मेरी स्किन में चली जाए, जो पोर्स इस समय खाली हैं वो अच्छे से इसकी मसाज के साथ मेरी स्किन में प्रॉपर प्रॉपर्टीज दे दें, ताकि मेरी स्किन करे अंदर से ग्लो। सो आप इसके अपनी आईज के ऊपर और डेलिकेटेड एरिया के ऊपर भी मसाज कर सकते हैं। आईज के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट है वो डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छे हैं, पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। सो आप इसको अच्छे से मसाज करिए 5 to 10 मिनट्स के लिए, ताकि आपकी स्किन के अंदर सारी प्रॉपर्टीज मिले। जो आप इतने महंगे फेशियल और इतना टाइम कंज्यूम करके आप हमेशा बोलोगे कि इतना टाइम हम कहां से दें, 5 से 10 मिनट तक अपने फेस की मसाज करें, लेकिन हम पार्लर्स में जाके भी तो टाइम पैसा सब वेस्ट करते हैं। सो ये तो हम घर पे भी कर सकते हैं, अपना पैसा तो एटलीस्ट बचा ही सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगा के, और इतना टाइम तो वेस्ट नहीं होगा, जितना वहां पे जाने तक का टाइम होगा उतने में ही ये फेशियल हो जाएगा। और हाँ, वहां पे हमें होता है आज जाना है कल, प्रॉपरली हम लोग फॉलो नहीं कर पाते कि कितने टाइम के बाद फेशियल करवाना है। इसको आप हफ्ते में ट्राई कर सकते हो, हफ्ते के बाद ट्राई कर सकते हो, और ये आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा क्योंकि इसमें कोई भी गलत इंग्रेडिएंट यूज नहीं हुआ है। उन क्रीम्स के बारे में आई डोंट नो कि क्या चीजें यूज हुई है, क्या चीजें लिखी गई है इंग्रेडिएंट्स, और कौन सी चीजें पार्लर्स वाले हमारे पे यूज कर रहे हैं, किसका टावल, किसकी क्या चीजें यूज हो रही है, उसका कोई भी जो है नहीं बोल सकता हमें। सो मैंने अपनी स्किन पे इसको 5 to 10 मिनट अच्छे से मसाज कर रही हूँ, ताकि इसकी पूरी प्रॉपर्टी सारी चीज जितने भी इंग्रेडिएंट है मेरे स्किन के अंदर चली जाए। सो फ्रेंड्स, मैंने इसको 5 to 10 मिनट अपने फेस में मसाज कर लिया है। नाउ लेट्स वॉश इट एंड वॉच इट द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेप। फ्रेंड्स, अब मैं यूज करूंगी लास्ट स्टेप इस फेशियल का, और देखेंगे इसके बाद मेरे फेस पे रिजल्ट कैसा है। अभी तक आप देख रहे हो कि सारे स्टेप्स का इफेक्ट मेरी स्किन पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ग्लो दे रहा है मेरी स्किन को। और अब लास्ट स्टेप जो कि है मास्क, उसके लिए मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है, और इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ऐड करिएगा, बहुत ज्यादा नहीं करना है। एंड लास्ट इंग्रेडिएंट इज हनी। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। फ्रेंड्स, जिनके एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम है वो भी इसको यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा, सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छे हैं। आप बस फर्स्ट स्टेप में सॉल्ट मत ऐड करिएगा क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। अगर पिंपल्स है तो वहां पे वो आपको जल सकता है, अदरवाइज सारे ही स्टेप फॉर ये फेस पैक तो पिंपल्स वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर तीनों ही इंग्रेडिएंट जो यूज हुए हैं वो आपकी स्किन के पिंपल जो है उनको रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इनफैक्ट जो प्रीवियस हमने जेल यूज करी है, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और ग्लिसरीन वाली, वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। आप उसको अपनी स्किन पे यूज कर सकते हैं, एक्ने और पिंपल वाले, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और हाँ, मेरे टीनेजर फ्रेंड्स जो है वो भी इसको अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट यूज नहीं किया है जो कि आपके स्किन के लिए अच्छा नहीं है। आप सेकंड स्टेप जो टीनेजर है वो अपनी इस फेशियल से जरूर निकाल देना। स्क्रब अपनी स्किन पे इतना हार्श स्क्रब मत करिएगा क्योंकि आपकी स्किन बहुत ही कोमल होती है टीनेजर्स। आप उसको अपनी स्किन उसे हटाकर बाकी आप सारे जो स्टेप्स हैं अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने फेस पैक को अच्छे से अपनी स्किन पे अप्लाई कर लिया है, अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसको लीव करूंगी 15 मिनट तक। ये बहुत ज्यादा ड्राई तो नहीं होगा ऑयल के कारण, लेकिन हाँ, ये रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। सो फ्रेंड्स, इसको मैंने अपने 10 मिनट अपने फेस पे रहने दिया है, और 10 मिनट के बाद मैं देखना चाहती हूँ कि कैसा रिजल्ट इसका आया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल यूज किया, वो मॉइस्चराइज रखेगा हमारी स्किन को। लेकिन 10 मिनट के लिए मैंने इसको अपनी स्किन पे लीव किया, और अब मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा फेस इस स्टेप के बाद जो फाइनल स्टेप है उसके बाद कैसा दिखता है। सो लेट्स वॉश इट एंड वॉच इट। फ्रेंड्स, मैं अपनी स्किन पे एक ग्लो फील कर रही हूँ, अपनी स्किन को स्मूथ फील कर रही हूँ। आई होप आपको भी कैमरे में ये चीज नजर आ रही हो। आप इसको एक बार फेशियल को ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो कि आपकी स्किन पे ये फेशियल कैसे वर्क करता है। मुझे तो ये बहुत पसंद है। फ्रेंड्स, आप भी अपने फेस पे इस फेशियल को जरूर ट्राई करेगा, और मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कि आपको ये फेशियल कैसा लगा। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।